हेलो। अज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन किराम, बज़्म आले कलम में मैं हूँ आपका मेज़बान शहज़ाद अरमान, और मेरे साथ हमेशा की तरह डॉक्टर तकी आबदी कनाडा से हमारे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन किराम, ये प्रोग्राम शरीफ अकेडमी जर्मनी और अहले कलम के ज़ेर एहतमाम रेडियो फ़ज़ा पर हर हफ्तावार इतवार 8 से 9 बजे आपकी खिदमत में पेश किया जाता है। फ़रोग़े इल्म व अदब के लिए सजाई जाने वाली इस बज़्म में आज हमारे दो मेहमान शोरा हैं। एक शायर मैनचेस्टर से हैं, मखदूम अमजद शाह साहब हमें ज्वाइन करेंगे, और समीना रहमत हमें यूके से ही ज्वाइन करेंगी। तो नाज़रीन कराम, आज का ये प्रोग्राम, इसमें आज का मौजू के हवाले से अगर हम बात करें तो गालिब के खतूत का सरसरी मुतालिया, ये हमारा मौजू है। और डॉक्टर साहब का एक बहुत सारा काम है गालिब के ऊपर, लेकिन आज एक 20 मिनट के एक छोटे से वक्त में डॉक्टर साहब से गुजारिश करेंगे कि 20 से 25 मिनट तक गालिब के खतूत के सरसरी मुताले के हवाले से अपने ख्याल आप सबके सामने शेयर करें। जी डॉक्टर साहब, आपको इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद अरमान साहब, अहले कलम और शरीफ एकेडमी की आज के इस 21वीं सदी के ग्लोबल विलेज में हमारे पास जो अदीब और शोरा हैं उनके पास उतना वक्त नहीं है कि गहरा मुतालिया कर सके। इसी जी वजह से जो आम सुनने वाले लोग हैं उर्दू अदब के, वो हमारे ज्यादातर शोरा और अदबा से मुतासिर नहीं है। एक बहुत ही अहम शख्सियत मुझसे बात कर रही थी कि आपके जो आम शोरा हैं उनसे 20 बराबर तो मैं जानता हूं जो सामईन में शामिल, और तो ये इतना सही है। तो ऐसे मौके पर मैं अहले कलम और शरीफ एकेडमी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जी एक ऐसा स्टेज है जिसमें दरिया बह रहा है, अगर चाहते हो तो अपनी जमीनों को सैराब कर लो। इस वजह से कि जो लोग भी उर्दू अदब से जुड़े होंगे, जिस महफिल में बैठेंगे जहां पर भी, तो जो शख्स उनसे सवाल करेगा वो ये समझ कर सवाल करेगा कि ये शख्स जानता है इस बारे में। मसला यह है कि ये महीना जो है दिसंबर का महीना, 27 दिसंबर 1797 को गालिब पैदा हुए। गालिब नाबगे रोजगार है। जी गालिब ने कहा था, शायरा मुंशियाम जरीफ व शरीफ। एक गलत फहमी हमारे पास चल रही है कि हाली ने गालिब को हैवाने जरीफ कहा। हाली ने नहीं कहा, खुद गालिब ने अपने आप को कहा कि मैं शायर हूं, मैं मुंशी हूं, यानी मैं ऐसे खतूत लिखता हूं, मैं ऐसी नस्र लिखता हूं, मैं जब कलम लेता हूं तो मैं ऐसे गुलबूटे अपनी तहरीर में सजाता हूं कि कोई दूसरा नहीं कर सकता। शायरा मुंशियाम जरीफ व शरीफ, मैं जरीफ हूं। तो हैवान जरीफ खुद गालिब अपने आप को कह रहे हैं, और शरीफ हूं अरबी लिहाज में शरीफ यानी अजमत वाला, अजीम हूं। तो आज हम गालिब के खतूत पर गुफ्तगू करेंगे। खतूत का जो मसला उर्दू अदब में है, अगरचे के हर अदब में खतों की अहमियत है, लेकिन हमारे पास खतूत हैं, लेकिन जिस तरह से गालिब ने खतूत लिखे आज तक कोई उनका जवाब नहीं ला सका, जिस पर हमारी बातचीत रहेगी। देखिए, गालिब क्योंकि उर्दू और फारसी के शायर थे, इसीलिए सर सैयद ने कहा था कि अलीगढ़ में मैं दो हुजरे बनाना चाहता हूं, एक हुजरा एक कमरा
उर्दू का मीर तकी मीर के नाम से और दूसरा फारसी का मिर्जा गालिब के नाम से। जी डॉक्टर। तो गालिब ने भी खतूत जो लिखे उर्दू और फारसी दोनों में लिखे। हम जानते हैं कि इस वक्त प्रिंटेड शक्ल में 873 खतूत गालिब के उर्दू में हैं और तकरीबन 750 खतूत फारसी में। इसी तादाद में अल्लामा इकबाल के भी 1496 खतूत हमारे पास मौजूद हैं। मैंने इन खतूत पर बड़ी डिटेल स्टडी की है। गालिब के जो खतूत हैं, आज हम अपनी गुफ्तगू को ज्यादातर उनके उर्दू खतूत पर वो रखेंगे, क्योंकि गालिब बहुत वसी जी एक सब्जेक्ट है और मैं सिर्फ चाहता हूं। तो मैंने ये किया था कि गालिब के खतूत को हर खत को पढ़ता हुआ मुख्तलिफ मार्कर से उसमें बताया था। मैंने देखा कि उसमें अदबी चाशनी क्या है, उसमें ज़राफ़त क्या है, उसमें समाजी अखलाकियात क्या है। और गालिब उस्तादों का उस्ताद है। उसमें उसने अपने शेरों की तशरीह किस तरह से की है, उसमें उसने ज़बान की जो लिसानियत है, जो ग्रामर है, उसके बारे में क्या बातचीत की है। तो मालूम ये हुआ कि वो एक बहरे ज़क्कार है। आप देखिए कि गालिब के खतूत ने, गालिब ने खुद कहा कि मियाँ मैंने अपने खत को मुरासले को मुकालमा कर दिया। मुरासला क्या होता है? मुरासला वो ये होता है जो एक तरीके से लिखा जाए और दूसरा शख्स उसको पढ़े, वो मुरासला है जो पुराने जमाने से चल रहा है। उसको मुकालमा कर दिया, ऐसा मालूम होने लगा कि जैसा वो शख्स सामने बैठा हुआ है और उससे बातचीत कर रहा है। तो ये जो अंदाज गालिब ने रखा कि किस तरीके से मुरासले को मुकालमा किया, वो कमाल। गालिब लिखते हैं, मैं गालिब को कोट कर रहा हूं कि 1000 कोस से बज़बान कलम बातें किया करो, हिजर में विसाल के मजे लिया करो। आप देख रहे हैं? और विसाल देखिए, मैं एक खत से दे रहा हूं। कहते हैं, मीरन साहब कहाँ हैं? कोई जाए और बला लाए, हजरत आइए, अस्सलाम अलैकुम। मियाँ किस हाल में हो, किस ख्याल में हो? पीरो मुर्शद, 12 बजे थे, नंगा पलंग पर लेटा हुआ हुक्का पी रहा था कि आदमी ने आकर खत दिया। मैंने खोला, पढ़ा, भले को अंगरखा या कुर्ता गले में ना था, अगर होता तो मैं गरेबान फाड़ लेता। आप देख रहे हैं, गालिब की ज़राफ़त के साथ गालिब ऐसा कह रहे हैं कि वो शख्स जो पढ़ रहा है उसको एक खुशी महसूस होती है, जैसे कि गालिब उसके साथ बात कर रहे हैं। एक खत के कुछ जुमले सुनिए। कहते हैं, मीर महदी, मीर महदी कौन है? मीर महदी वो है, ये जो गालिब की अभी मैंने बताया कि तकरीबन 800 जो खतूत हैं, 872 वगैरह, ये जिन लोगों को लिखे गए हैं वो आपके यूं समझिए कि सबसे ज्यादा खतूत को उन्होंने तख्ता पर लिखे, हर गोपाल तख्ता को। हर गोपाल तख्ता के 123 खतूत गालिब के खतों में शामिल हैं। इस तरीके से ये 1500 जो खतूत हैं, इसमें हम जानते हैं कि मीर महदी जो इनके चहीते शागिर्द थे। तो लिखते हैं कि अपने जुमले बताते हैं। मीर महदी, सुबह का वक्त है, जाड़ा पड़ रहा है, अंगेठी सामने रखी है, वो हर्फ लिखता हूँ, आग दो हर्फ लिखता हूँ, आग तापता हूँ, आग में गर्मी ही, मगर हाय वो आतिश सयाल कहाँ के दो जुर्रे पी ले, फौरन रगो पै में दौड़ गई, दिल तवाना हो गया, दिमाग रोशन हो गया। तो ये कहने वाला गालिब के खतूत का हम मुतालिया कर रहे हैं। तो गालिब ने मुरासले को आपके जो है क्या कहते हैं, मुकालमा बना दिया। तो गालिब की जिंदगी ही में आपको मालूम है कि गालिब के जो खतूत थे वो शाया हुए। उदे हिंदी जो है, गालिब के मरने से तकरीबन 4.5 महीने पहले शाया हुई और वो किताब
उसमें सिर्फ गालिब के 166 के करीब कुछ खतूत थे। तो बताने कहने का मतलब यह है कि आप देखेंगे कि गालिब का कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां और तो गालिब का अंदाज़े बयां सिर्फ शायरी में नहीं है बल्कि खतूत में भी है। खतूत में जिस तरीके से वो गुफ्तगू करते हैं कोई दूसरा उर्दू अदब में उस तरह की गुफ्तगू नहीं कर सका। इसी वजह से गालिब के खतूत को एक बड़े खास तरीके से पढ़ा जाता है और उनको समझने की कोशिश की जाती है कि गालिब ने अभी यही जो हमने मीर महदी मजरू का जिक्र किया गालिब ने लिखा के गालिब का इंतकाल 1869 में 1861 में गालिब ने कहा कि भाई मैं एक साल पहले कहा कि मैं मर जाऊंगा 1861 में और अपने मरने की उन्होंने तारीख निकाली। वो 1861 आया गालिब बमूर्त गालिब का इंतकाल नहीं हुआ गालिब नहीं मरे। तो शागिर्द ने पूछा उस्ताद आपने तो कहा था कि विसाल फरमाएंगे इस साल जी साल तो गुजर गए आप क्या फरमाते हैं। तो उन्होंने कहा मीर महदी मैंने गलत नहीं कहा था लेकिन तुम जानते हो उस साल 1861 में दिल्ली में कॉलरा ये वबा फैली थी हर शख्स मर रहा था इतने मर रहे थे कि जो है गसाल नहीं मिल रहे थे शमशान घाट पर जलाने के लिए जो है क्या कहते हैं लोग मयसर नहीं थे। तो गालिब ने कहा तुमने देखा कि फुटपाथों पर खयाबानों में सड़कों और गलियों में लाशें पड़ी थी मैं ऐसे आम मौके पर मरना नहीं चाहता था इस वजह से मैंने अपना इरादा बदल लिया है और अपनी आइंदा तुम्हें तारीख दूंगा। तो ये जो अंदाज है ना आपके जिसको कहते हैं कि खत में ज़राफ़त। वैसे तो खतूत हमारे पास हैं अबुल कलाम आजाद के भी खतूत हैं वैसे हमारे पास जानिसार अख्तर के भी खतूत हैं वैसे हमारे पास आपके अल्लामा इकबाल के भी खतूत हैं लेकिन दर्जनों लोगों ने लिखा है खतूत लेकिन गालिब के खत का अंदाज ही अलग है। अब आप देखिए लिखते हैं मीर महदी मजरू के खत में लिखते हैं मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ इत्तला भी देते हैं मुरासले को मुकालमा भी करते हैं और उसके अलावा वो समाजी मसाइल को और ज़राफ़त को भी पेश करते हैं। कहते हैं मीरन साहब तुमसे बात छुपाएंगे इससे बढ़कर बात और महले गौर है। सास गरीब ने बहुत सी जलेबियां और तोदे कलाकन साथ कर दिया है यानी कलाकन का एक टुकड़ा और मीरन साहब ने अपने जी में ये इरादा कर लिया है कि जलेबियां राह में चट करेंगे और कलाकन तुम्हारी नजर करकर तुम पर एहसान करेंगे। भाई मैं दिल्ली से आया हूँ कलाकन तुम्हारे वास्ते लाया हूँ। अब आप देख रहे हैं किस तरीके से खत में क्या चीजें लिख रहे हैं जिनहार ना बावर कीजो हाले मुफ समझ कर माले मुफ समझ कर ले लो कौन गया कौन लाया। अब बात यह है कि ये जो कह रहे हैं कि मैं खरीद कर तुम्हारे लिए कलाकन लाया हूँ ये गलत बात है। तो गालिब ये बताने की कोशिश कर रहे हैं जब खरीद कर लाए हो तो कोई कम से कम नौकर को भेज कर खरीदा होगा। तो अब आगे बढ़कर कहते हैं कल्लू अयास के सर पर कुरान रखो ये दोनों मुसलमान हैं कल्याण के हाथ गंगा जली दो बल्कि मैं खसम खाता हूँ इन तीनों में से कोई नहीं लाया वल्लाह मीरन साहब ने किसी से नहीं मंगाया। तो आप देख रहे हैं ज़राफ़त क्या है ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि न हुआ पर ना हुआ गालिब का जो अंदाज जो है ना आपके अंदाज खतूत लिखने में किसी को वो अंदाज नहीं मिला। तो गालिब के खतों में अपने समाज की तमाम चीजें हैं सियासियात भी है उसमें माशियात भी है उसमें समाजियात भी है उसमें अदबियात भी है उसमें जज्बात भी है। वो जज्बात की गुफ्तगू करते हैं और जज्बात ऐसे ऐसे खास तरीके से आपके जो है बयान करते हैं कि जिसकी वजह से उसकी रौनक बढ़ जाती है। अगर आप फर्ज कीजिए कि जैसे एक माशूखा का इंतकाल हुआ उस जमाने में आपको मालूम है ये लोग जो है आपके बेगमात तो रखते थे उसके अलावा अपनी महबूबाएं भी रखते थे। तो आप देखिए खत लिखते हैं गालिब अली बेग मेहर को अली बेग महर की महबूबा का इंतकाल हो गया तो मालूम हुआ कि डिप्रेशन में है। तो अब गालिब का खत सुनिए गालिब क्या कहता है गालिब कहता है
शायर का कमाल ये है कि फिरदौसी हो जाए, फकीर की इंतहा ये है कि हसन बसरी से टक्कर खाए, आशिक की नमूद ये है कि मजनू की तरह नसीब हो, लैला उसके सामने मरी थी, तुम्हारी महबूबा तुम्हारे सामने मरी, मगर तुम इससे बढ़कर हो, लैला अपने घर में और तुम्हारी माशूखा तुम्हारे घर में मरी। आप देख रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं इनकी माशूखा को लैला से। ठीक है भाई, ये मुगल बच्चे भी गजब होते हैं, जिस पे मरते हैं उसको मार खाते हैं। मैं भी मुगल बच्चा हूँ, उम्र भर में एक को मैंने भी मार रखा है, खुदा इन दोनों दोनों को बख्शे और हम दोनों को कभी आपके जो है हम दोनों को भी जख्म मर्ग दोस्त खाए हुओं को मगफरत करे। तो आपने देखा जी, किसी का पुरसा भी जब दे रहे हैं गालिब, तो एक अजीब तरीके से आपके पुरसा दे रहे हैं, और फिर उसके बाद से कह रहे हैं एक और खत में उसी को मिर्जा मेहर को लिखते हैं, किसी के मरने का वो गम करे जो आप ना मरे, कैसी अफशानी कहाँ की मरसिया खानी, आजादी का शुक्र बजा लाओ गम ना खाओ, अगर ऐसे ही अपनी गिरफ्तारी से खुश रहना चाहते हो तो चन्ना जान उनकी महबूबा थी मेहर की, चन्ना जान की जगह ना सही मुन्ना जान, जब आपके जो है का तसव्वुर करता हूँ और सोचता हूँ कि मगफरत हो जाएगी, तो कह रहे हैं कि अगर चन्ना जान गुजर गई है तो दूसरी महबूबा ला लो, मुन्ना जान ला लो। कहते हैं कि मैं जन्नत का तसव्वुर कर कांप जाता हूँ, एक खसर मिला एक हूर मिली, कयामत जावदानी अकामत जावदानी है और उसमें एक नेकबख्त के साथ जिंदगी हो, इस तसव्वुर से जी घबराता है, कलेजा मुंह को आता है, हू बहू वो हूर अजरन हो जाएगी। आप देख रहे हैं, दिल क्यों ना घबराए, वही जमरुद्दीन काख वही तूबा की एक शाख, चश्मे बद्दूर वही एक हूर। तो ये जो अंदाज है, हमको चाहिए कि गालिब के खुतूत का मुतालिया करें। आजकल हमारी जबान में, हमारे जमाने में खतूत का जमाना नहीं रहा है। आजकल हमारी जो लाइफ हो गई है, अब हमको खत लिखने के लिए जो है मैं समझता हूँ अफसानों की तरफ वो करना पड़ेगा। लेकिन अगर गालिब को समझना है तो आपको जानना चाहिए कि गालिब के खतूत का मुतालिया होना चाहिए। गालिब ने अपनी जवानी में 1825 से लेकर 1850 तक फारसी खतूत लिखे। पहला खत जो फारसी उर्दू का उनका डॉक्यूमेंटेड मिलता है वो तकरीबन 1848 और 1850 का है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इस 20 साल में, आखिरी 20 साल में गालिब ने उर्दू के खतूत लिखे। तो उर्दू के जो खत हैं उसमें देखना चाहिए कि गालिब के बहुत से खतूत पैदा भी नहीं हुए, बल्कि वो आपके क्या कहते हैं गुम रहे। गालिब जहां तक कि अपने खतों में है, खत हासिल करने वाले को खुश करते थे और वाकया लिखते थे। एक मैं आपको एक खत सुनाता हूँ, एक खत का तर्जुमा सुनाता हूँ जो उन्होंने सरीपाए, तो मालूम है कि आपके दिल्ली में बहुत सरीपाओं का सुबह खाने का रिवाज है, तो सरीपाए शीरमाल के साथ खाए जाते हैं। एक उनके दोस्त अबुल कासिम ने उनको सरीपाए भेजे। अब जब सरीपाए भेजे तो अब इसमें ख्याल रहे, इसको कहते हैं तख्लीक, इसको कहते हैं एक नाबिका रोजगार के कलम लेकर खाने के बाद वो किस तरीके से शुक्रिया का खत अदा करता है। तो सरीपाए में देखिए सर भी है, सर के अंदर आंखें भी हैं, भेजा भी है, जबड़ा भी है, आपके तमाम सर को आप वो कीजिए, बकरे का सर है और दूसरे उसके पाए हैं। तो गालिब कहते हैं, जूदो करम के दस्तखान के जरीफ कार रीजा खार, आपकी खिदमत में ये अर्ज करता है कि सरी पाए पहुंचे और कामे जा को महबूबों के तबस्सुम अंगेज लहर में पूट पूट कर दिया, दिमाग को भी ताकत दी। देख रहे हैं आप, सरी पाए सर में दिमाग को भी ताकत दी और हाथ पांव को भी तवानाई बख्शी, जिसका गुदा अपने खमीर की लताफत में खवाए नफसानी के इजाफे का सरमाया। नहीं नहीं, मैंने गलत कहा, जिंदगी के चराग के तेल का मादा है। मेदे के सीक्रेशन के बारे में कह रहे हैं,
मैदा इसके शोरबे की रवानी का सनाखा है और आंतें इसके कफचों की लज्जत के शुमार की तस्बीह पढ़ रही। रोटी ने जब इसके शोरबे के मेयार को पहुंचाया पहचाना तो पहले हमले ही में खौफ से सिपर डाल दी और जब जबान इसकी रवानी की लज्जत की शुक्रगुजारी में मशगूल हुई तो शोरबे की आब हयात की मौज इसके सर से गुजर गई। इसकी हड्डियों के नजर फरेब जलवे पर हुमा दीवाना हो गया और इसके भुने हुए कागज के हुस्न पर अक्ल फरीख्ता हो गई। इसके मिर्चों की मजे की तेजी महबूबों की अदाए अताब की तरह गुलसोस गुलूसोस थी और हड्डियों के चटकने की आवाज चंग और रुबाब के नगमे की तरह सामा नवाज थी। मैं भी तो इस बात को तूल देता और नेमत की तारीफ करके साहेब नेमत का शुक्रिया अदा करना चाहता, लेकिन मेरे जबड़े ने मुझे नास के साथ आंख का इशारा किया और अपने सर की कसम देकर गोया हुआ कि अपने हाथ से कलम फौरन रख दो और नली के गुदे की लताफत का मजा लो। चूंकि मुझे उसकी खातिरदारी मंजूर थी और उसकी किस्मत पुरमाया थी तो तामीर के अलावा और कोई चारा न था। आपने देखा मैंने जो खतूत आपके सामने रखे हैं उससे मालूम यह हो रहा है कि गालिब के खतों पर बहुत काम करने की अभी ज़रूरत है। गालिब के खतूत में उस जमाने के हालात हैं। गालिब ने अपने खतूत में अपनी बीमारियों की गुफ्तगू की है। गालिब ने अपने खतूत में वो जो उनके मशहूर और मुश्किल शेर थे, नक्श फरियादी है किसकी शूखी तहरीर का, पैरहन है आपके कागजी है पैरहन हर पैकरे तस्वीर का। अब ये शेरों की अगर आप चाहते हैं तशरी देखें तो वो सिर्फ आपको जो है गालिब के अशार में मिलेगी। तो गालिब के खतूत ना सिर्फ एक इस तरह के हैं बल्कि गालिब के खतूत अगर गालिब शायरी भी ना करते सिर्फ खतूत लिखते तो गालिब को हम आपके जो है एक अजीम अदीब और एक अजीम दबीर और एक अजीम, इसी वजह से तो गालिब ने कहा था कि नबाश मुनकिर गालिब के दर जमाने तूस, तुम गालिब के मुनकिर मत हो कि तुम्हारे जमाने में जिंदगी कर रहा था। और इसीलिए उनके शागिर्द ने जब गालिब पर मर्सिया लिखा तो गालिब ने कहा था कि भाई मैं भी एक छोटा सा फारसी का शायर हूँ, तो ये उस्ताद का ये जुमला हाली को पसंद नहीं आया। तो हाली ने कहा कि क्या कहा हाली ने, साहिबो खुशियो असीरो कलीम, हमने सबका कलाम देखा है के कहते हैं हमने सबका कलाम देखा है, हाय शर्म है अदब शर्त मुंह ना खुलवाएं। फिर कहते हैं गालिब नुक्तदान से क्या निस्बत, खाक को आसमां से क्या निस्बत। आप देख रहे हैं खाक को आसमां से क्या निस्बत। गालिब वो चीज है जो गालिब खुद कहा है कि मैं अंदली पे गुलशन नाफरीदा हूँ, अभी मेरा वो गुलशन पैदा नहीं हुआ है जिस पर बैठकर मैं चहक सकूं। या कहता है गालिब कि ये जो शेर है लोग गलत पढ़ते हैं इसको, शेर सही ये है, जाता हूँ थोड़ी दूर हर एक राह रो के साथ, के साथ उसको पढ़ा जाता है चलता हूँ थोड़ी देर हर एक राह रो के साथ, नहीं जाता हूँ थोड़ी दूर तेज रो के साथ नहीं है, हर एक राह रो के साथ, पहचानता नहीं हूँ अभी राहबर को मैं हूँ गर्मी है। तो गालिब से ये पूछा जाए कि गालिब आप फिर शेर क्यों कह रहे हैं जब आपके जमाना नहीं आया, तो गालिब कहते हैं हूँ गर्मी है निशात तसव्वुर से नगमा सन, ये सीने में जो मेरा अलाव पक रहा है ये ख्यालात जो हैं इसी वजह से मैं चाहता हूँ इसको उगल दूँ, मैं अंदली पे गुलशन नाफरीदा हूँ, अभी मेरा जो है वो गुलशन अभी वो लोग जो, क्योंकि मैं शायर फरदा हूँ मैं कल मुझे समझा जाएगा। और आज इसी वजह से हम 21वीं सदी में आप देख रहे हैं कि इस 21वीं सदी में बैठे हुए मगरबी दुनिया में गालिब पर गुफ्तगू कर रहे हैं। यह इसी वजह से तो गालिब ने कहा था है और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, इसीलिए देखिए इकबाल ने अपने आप को सिर्फ बर्रे सगीर के शायरों से नहीं मिलाया लेकिन पूरी दुनिया के शायरों से मिलाया है, और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे। कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयान, तो मैंने इन चंद खतूत में कोशिश ये की है ये बताने के लिए कि इनका अंदाज़े बयान और क्या है। यही अंदाज़े बयान है कि जिस तरीके से जो बर्रे सगीर से जुड़ा हुआ है। गालिब कहते हैं मसन शौकत उर्फी के बूज शिराजी
तुम उर्फी की फकत तारीफ इस वजह से मत करो कि वो ईरान शिराज से था, मशो असीर जलाली के बुत खांसारी, तुम जलाल के असीर मत हो जाओ कि वो खांसार था। बस सोमनाथ ख्यालम दराइता बिनी, तुम मेरे सोमनाथ ख्याल की दरिया में उसमें तो आओ, मुहासरे में तो आओ। जवा फरूज बड़ी दोषाए जन्नारी, तो तुम देखोगे कि मेरे दोष से किस तरह से तजल्लियात की आपके जो है मैसेजेस और तजल्लियात की चीजें बाहर निकल रही हैं। सोमनाथ ख्याली किसी धर्म की प्रचार, किसी मजहब की प्रचारी नहीं है। सोमनाथ ख्याली यानी बर्रे सगीर की जो हमारी जड़ें, जो हमारी शायरी की, जो हमारी मानी है, वो इस जमीन में जुड़ी हुई है। वो आपके, हमने जो कुछ भी हयात बाहर से ली, गजल लिया, खसीदा लिया, जो कुछ लिया आपके बाहर से, लेकिन मानी अपने रखे। तो बस यही मैं इस पर बात खत्म कर रहा हूँ कि वो गालिब जिसने खतूत भी लिखे, अजीम तरीन खतूत लिखे, 1500 के करीब खत लिखे, और वही जो 17 साल की उम्र में ऐसा शेर कह सके कि है कहाँ तमन्ना का दूसरा कदम यारब, मैंने दश्ते हमने दश्ते इमकान को एक अब नक्शे पा पाया, तो मैंने दश्ते इमकान को एक नक्शे पा पाया कहने वाला गालिब मुंशी भी है, शायर भी है। और बहरहाल ये छोटी सी गुफ्तगू उनके खतूत पर इसी वजह से हमने आज की है। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू डॉक्टर साहब आपने की गालिब के हवाले से, और इंशाल्लाह कोशिश होगी नाज़रीन इकराम के ये इस माह में गालिब की जो गालिब का काम है उसके ऊपर डॉक्टर साहब का बहुत ज़्यादा काम है, और मज़ीद हम नशिस्तों में भी जो है वो दीगर पहलुओं का भी अहाता करेंगे। डॉक्टर साहब आपकी इजाज़त से दूसरे हिस्से का बाकायदा आगाज़ करते हैं मुशायरे का। डॉक्टर साहब जी डॉक्टर साहब मखदूम अमजद शाह चेयरमैन एकेडमी अदबियात और पाक टी हाउस के मैनचेस्टर से हमें उन्होंने ज्वाइन किया है। समीना रहमत हमारे साथ यूके से मौजूद हैं, और इन दोनों शोरा को दावत कलाम देने से पहले डॉक्टर साहब मैं चाहूँगा कि अपने चंद अशार से, ताकि हम अपने मेहमानों से ज़्यादा सुन सकें, तो चंद अशार मैं पेश करता हूँ। ये एक दो अशआर डॉक्टर साहब आपकी इजाज़त से और अपने सीनियर मेहमानों की इजाज़त से। तूफान से हर मौज से आंधी से लड़े हैं, तूफान से हर मौज से आंधी से लड़े हैं, एक बुत की तरह दरिया के पहलू में गड़े हैं, दरिया के पहलू में खड़े हैं। बहुत अच्छे, और बह पाए ना हम वक्त की इस बहती नदी में, बह पाए ना हम वक्त की इस बहती नदी में, बिछड़े थे जहां तुमसे वहीं अब भी खड़े हैं। अच्छा है। वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और मैं अपने मेहमानाने ग्रामी उनको दावते सुखन देता हूँ, ताकि और कुछ सुनाए हम जी जो हुक्म डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब ये एक गजल के चंद अशआर फिर आपको मैं पेश करता हूँ। घर छोड़ के आए हैं मकान ढूंढ रहे हैं, घर छोड़ के आए हैं मकान ढूंढ रहे हैं, बेनाम शराबों में अमां ढूंढ रहे हैं। बहुत शुक्रिया। और आंखों में सजा कर जिन्हें आए थे वतन से, आंखों में सजा कर जिन्हें आए थे वतन से, उन जल बुझे ख्वाबों का धुआं ढूंढ रहे हैं। आंखों में सजा कर जिन्हें आए थे वतन से, उन जल बुझे ख्वाबों का धुआं ढूंढ रहे हैं। आंखों में सजा कर जिन्हें लाए थे वतन से, वाह बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और दीमक की तरह चाट गए हिजर के मौसम, अच्छा दीमक की तरह चाट गए हिजर के मौसम, अब गर्द में हम अपने निशान ढूंढ रहे हैं। वाह वाह वाह, बहुत खूब, बहुत शुक्रिया। और बिकता हो सकूं बिकती हो खुशियां जहां ऐसी, पैसे लिए हाथों में दुकान ढूंढ रहे हैं। बहुत शुक्रिया। और मक्तार साहब के बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बड़ी मोहब्बत। और हर जगह के होकर जो कहीं के भी नहीं हैं, हर जगह के होकर जो कहीं के भी नहीं हैं,
वो खो के कहाँ खुद को कहाँ ढूंढ रहे हैं। वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया। बहुत घर छोड़ के आए हैं, मकान ढूंढ रहे हैं, बेनाम शराबों में अमां ढूंढ रहे हैं। अमाउंट, बहुत शुक्रिया। वाह, बड़ी मोहब्बत जी। मैं अपने अगली मेहमान शायरा समीना रहमत को दावत सुखन देने से पहले बताता चलूं कि बीएससी इकोनॉमिक्स में लाहौर 1997 में उन्होंने कैनियर कॉलेज से की, और एलएलबी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में उन्होंने 2011 में की। राइटर हैं, पोइट हैं, कॉलमिस्ट हैं समीना रहमत। बहुत खूबसूरत शायरी है उनकी, और ये एक शेर उनका मैं पेशे खिदमत करता चलता हूँ और बाकी कलाम उनसे सुनेंगे। ये वसल लो बहर, ये वसल व हिजर के किस्से मज़ा है इनको पढ़ने में, मोहब्बत के निसाबों में कभी तरमीम मत करना। जी समीना रहमत, आपको दावते बहुत सुखन बहुत है। शुक्रिया माशाल्लाह, आपका कलाम बहुत बहुत अच्छा था, और डॉक्टर साहब की गुफ्तगू बहुत अच्छी, बहुत कुछ सीखने को मिला। तो मैं एक गजल के चंद सुनाती हूँ। जी बोझ वो मेरा बटाने लग गया, बोझ वो मेरा बटाने लग गया, तो मेरा बेटा कमाने लग गया। वाह वाह, गुजरी बताने लग गया, दास्तां अपनी सुनाने लग गया। वो जिसे मैंने बनाया चाक पर, वो जिसे मैंने बनाया चाक पर, चाक पे मुझको घुमाने लग गया। बाग में माली ने जब चलने न दी, दश्त में वो गुल खिलाने लग गया। जानता ही ना था, मानता ही ना था जो मुझसे कभी, आज वो मुझको मनाने लग गया। उससे पूछा मैंने मंजिल का पता, वो मुझे दा बताने लग गया। मेरे दम से तेरी रौनक है सभी, मेरे दम से तेरी रौनक है सभी, फूल टहनी को जताने लग गया। जिसके पांव इस जमी पे थे नहीं, आसमां सर पे उठाने लग गया, आसमां सर पे उठाने लग गया। वाह, मैंने पूछी जब बेचैनी की वजह, मैंने पूछी जब बेचैनी की वजह, आंख से आंसू बहाने लग गया। टांक आई हूँ उसे मैं कील पर, टांक आई हूँ उसे मैं कील कील पर, लो मेरा दुश्मन ठिकाने लग गया। लो मेरा दुश्मन ठिकाने लग गया, क्या कहने। मैंने पूछा रात काटी है कहाँ, मुझसे वो नजरें चुराने लग गया। मैंने उसके खौफ की पकड़ी चुजड़, मुझसे ही वो खौफ खाने लग गया। और आखिरी शेर है, रंजो गम की लंबी रातें काट कर, रंजो गम की लंबी रातें काट कर, फिर से वो हंसने हंसाने लग गया। बोझ वो मेरा बटाने लग गया, लो मेरा बेटा कमाने लग गया, कमाने लग गया। वाह वाह, शुक्रिया। जी चंद अशआर और अनायत कीजिए। अच्छा, एक गजल है उसके चंद अशआर। दर्द बोने की क्या जरूरत है, दर्द बोने की क्या जरूरत है, यानी रोने की क्या जरूरत है। वाह वाह वाह, क्या वो जो तेरा कभी भी था ही नहीं, उसका होने की क्या जरूरत है। वाह, जब नहीं छींट कोई दामन पर, इसको धोने की क्या जरूरत है। तेरी महफिल में सब है कदावर, तेरी महफिल में सब है कदावर, मुझसे बोने की क्या जरूरत है। एक रोटी भी तेरे पास नहीं, पंजाबी का लफ्ज इस्तेमाल किया गया, एक रोटी भी तेरे पास नहीं, तुझको पोने की क्या जरूरत है। जागते में भी ख्वाब देखते हो, तुमको सोने की क्या जरूरत है। जिंदगी बोझ है तो खत्म करो, इसको ढोने की क्या जरूरत है, इसको ढोने की क्या जरूरत है। लम्स की आजू नहीं है अगर, साफ सोने की क्या जरूरत है। वाँ। वाँ। मैं तो वैसे भी हो चुकी तेरी, जादू टोने की क्या जरूरत है। दायरादार जीस्त में अपनी, दायरादार जीस्त में अपनी, किसी कोने की क्या जरूरत है। एक औरत तुझे मुयस्सर जब, एक औरत तुझे मुयस्सर जब, तो खिलौने की क्या जरूरत है। फक्र जब इख्तियार कर ही लिया, तो बिछोने की क्या जरूरत है। और आप शेर है, मिल गए आप जब समीना को, चांदी सोने की क्या जरूरत है।
वाह 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 बोने वाह की वाह क्या जरूरत है, वाह यानी वाह, रोने की क्या जरूरत है। क्या कहने, अच्छा क्या कहने, बहुत बहुत खूब अच्छा। बहुत खूबसूरत, बहुत शुक्रिया। खूबसूरत। समीना, कहीं गई भी थी, मसरूफ थी, लेकिन फिर भी हमारे लिए वक्त निकाला, हम उनके मशकूर हैं। जी, जी हमारे अगले मेहमान शायर, सीनियर शायर हैं हमारे, मखदूम अमजद शाह, चेयरमैन हैं एकेडमी अदबियात बरतानिया और पाक टी हाउस यूके के, मारूफ मुसन्नफ़ हैं, लिखारी हैं, शायर हैं, और मुख्तलिफ टेलीविज़न चैनल्स पर, जिसमें जी टीवी, DM, हदायत टीवी, BBC और अहले बैत टीवी पर मुख्तलिफ प्रोग्राम्स जो है वो देते आए हैं। तकरीबन 26 साल से मीडिया कंसल्टेंट भी हैं। जी अच्छा मखदूम, आज आपको दावते सुखन देते हैं बज़्मे अहले कलम में, आपको खुश आमदीद कहते हैं। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपका, आपके इदारे का, शरीफ एकेडमी और फिजा रेडियो, इन तमाम इंतजामिया का बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझ नाचीज को अपने प्रोग्राम में शामिल होने के लिए दावत दी और इस काबिल समझा कि मैं आपके प्रोग्राम में शामिल हो सकूं। बाद अजां आपके साथ, बल्कि हम सब के साथ, हमारे बड़े सीनियर मोहतरम जनाब डॉक्टर तकी अली आबिदी साहब मौजूद हैं और समीना रहमत साहबा, आप दोनों अहबाब बड़े मोतबर अशखास हैं। आपको मेरा आदाब, अस्सलामु अलैकुम। वाह, और मुझे बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि मैं हर दो अहबाब के साथ यहाँ पर आज मौजूद हूँ, अगरचे वक्तन फवक्तन दीगर निजी महफिलों में भी मुलाकात रहती है। और डॉक्टर तकी अली आबिदी साहब, इनका तो मैं मोतकिद भी हूँ, फैन भी हूँ, धन्यवाद। इनके इनकी तहरीरें पढ़ता हूँ, इनके साथ मुझे ये बड़ा शर्फ हासिल है कि डॉक्टर साहब से चंद मुलाकातें रही हैं। डॉक्टर साहब ने बड़ी हौसला अफजाई फरमाई है हर दफा जब भी मुलाकात हुई है, जब भी गुफ्तगू हुई बेशक है, और जी, ऑनलाइन भी आपके साथ कुछ प्रोग्राम करने का शर्फ मुझे हासिल है। आज जी डॉक्टर साहब की जो गुफ्तगू मैंने सुनी है गालिब के खतूत के हवाले से, माशाल्लाह बड़ी मुदल्लल डॉक्टर साहब ने अपने अपने मुताले का इजहार यहाँ किया है। तो अगर इजाजत दें डॉक्टर साहब से, खुसूसन क्योंकि डॉक्टर साहब उर्दू अदब में तहकीक के मामले में खास तौर बेशक पर एक बड़ी जय्यद शख्सियत हैं, एक अथॉरिटी मैं इनको समझता हूँ। इनके सामने कुछ भी कहना सूरज को चराग दिखाने के मुतरादिफ है। ताहम कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि हम लोग जो अदीब होते हैं, हम लोग किसी ना किसी तौर वो आपस में एक दूसरे के साथ उसका इजहार भी करते हैं और उसको शेयर इसलिए करते हैं कि मेरी जो समझ है, मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है वो कितनी है, ताकि डॉक्टर साहब जो सीनियर हैं वो उसको देख कर ये कुछ जी, समझ पाए कि मेरे समझने का अंदाज जो है वो वो कितना कैसे। कैसा है। तो डॉक्टर साहब आपकी इजाजत से मैं गालिब के खतूत पर ज्यादा बात नहीं करना चाहूंगा, लेकिन जो जितना मुताला मैंने किया है, मेरा तो बहुत मुख्तसर मुताला है, लेकिन उसमें जो चीजें मुझे गालिब के खतूत में जो मुझे देखने को मिली है, आपने हजरत अल्लामा इकबाल का जिक्र किया, गालिब का जिक्र किया, इन अतवार के जो शोरा इकराम है, इन सब ने असल में सबसे ज्यादा काम और सबसे बेहतर काम, और उनकी अपनी जुबानी भी ये बयानात मौजूद है कि फारसी में उन्होंने सबसे ज्यादा और सबसे अच्छा लिखा, लेकिन इन दोनों शोरा की वजह शोहरत वो उर्दू जुबान है, क्योंकि उर्दू जुबान जुबान जद आम है, इसलिए और बड़ी आसानी के साथ इन शोरा कराम ने अपने मुद्दा को अपने अशार के जरिए हम सब तक पहुंचाया है, इसलिए इनकी उर्दू की शायरी वजह शोहरत बनी। अब गालिब के खतूत की जहां तक हम बात कर रहे हैं, तो मुझे जो गालिब के खतूत में चंद चीजें खास तौर पर दिलचस्पी का बायस नजर आई हैं, उनमें एक तो गालिब के जो जो खतूत में आम तौर पर हुआ करता था, पुरतकल्लुफ आदाब हुआ करते थे, अलकाबात और नियाजमंदाना एहसास खतूत में जो तहरीर में हुआ करता था, गालिब ने, मैं समझता हूँ, उसको यकसर बदल के रख दिया, और गालिब ने जो रू बरू होकर गुफ्तगू करने का जो अंदाज दिया है, उससे गालिब के खतूत में और भी दिलचस्पी पैदा हुई है। फिर इख्तसार और सादगी से गालिब ने जिस तरह से काम लिया है, उनके खतूत में हमें किसी कदर, जैसे डॉक्टर साहब ने अभी चंद हवाले दिए, कुछ ड्रामाई अंदाज भी मिलता था और मजाक को वो भरपूर इस्तेमाल किया करते थे जहां कहीं उनको मौका मिलता था,
वो मजाक की सुई चबोने में कतन गुरेज नहीं करते थे। फिर ये था कि उनके यहाँ जो हमें माशर्ती तारीखी वाकयात जो इर्द गिर्द होने वाले होते हैं, हमें उनकी भी झलक उसमें बड़ी बखूबी हमें उसमें मिलती है। और फिर उसमें जो अदबी और फनी हैसियत है उनके खतूत की, उससे तो इनकार किया ही नहीं जा सकता। फिर बाज़ औक़ात कुछ जगहों पर वो अपनी और मुखातिब की कुछ कमजोरियों का इस तरह से बरमला इजहार मजाक के जरिए किया करते थे कि गोया दो आतशा गुफ्तगू हो जाती थी। मैं दो तीन चीजें इनके बारे में और क्या कहूंगा उसके बाद फिर अशार के। प्रोफेसर रशीद अहमद सिद्दीकी साहब ने उनके बारे में कहा है कि दिल के मामले में गालिब को उनके अशार के इंतखाब ने रुसवा किया हो या नहीं, उनके खतूत ने यकीनन उन सबको महबूब बनाया। उनकी शायरी में उनकी फिक्रो तखय्युल जागता है, तो उनके खतूत में जिंदगी और शख्सियत का हुस्न और हरकत मौजूद है। और इसी तरह डॉक्टर खुर्शीदुल इस्लाम कहते हैं कि गालिब उन लोगों के मुकाबले में कहीं ज्यादा बेदार थे, उनकी जिंदगी उनके फन का वसीला बन गई, और इसी सबब गालिब के खतूत की अहमियत गालिब के शेरी नताइज फिक्र से कम नजर नहीं आती। तो ये चंद गुजारिशात मेरी थी इस हवाले से। मैं चाहता था कि जो मेरी समझ है वो सीनियर शोरा तक पहुंचे, ताकि मुझे मालूम हो कि मैं सही अंदाज में मुताले की जानिब रवा हूं। आप सबकी इजाजत से डॉक्टर साहब और समीना साहबा और शहजाद साहब इजाजत दें तो चंद अशार मैं आपसे गुजार करना चाहूंगा। आप सबकी इजाजत से हम्द के एक दो अशार और नात का एक, मेरा ये हमेशा से एक तरीकाकार रहा है कि पहले हम नात का एक शेर और फिर आगे गजलियात जो भी होंगी। हर चीज तेरे कब्जा कुदरत में है मौला, हर चीज तेरे कब्जा कुदरत में है मौला, जो कुछ है मेरे पास वो सब तेरी अता है। जो कुछ है मेरे पास वो सब तेरी अता है। ये एक गवाही भी हमें कम नहीं अमजद, ये एक गवाही भी हमें कम नहीं अमजद, कम नहीं अमजद, तू मेरे नबी रहमते आलम का खुदा है। वाह सुभान अल्लाह, तू मेरे नबी रहमते आलम का खुदा है। और कहां शऊरे बशर और उनकी जात कहां, कहां शऊरे बशर और उनकी जात कहां, कहां ये मेरा कलम और नबी की बात कहां। मेरा कलम और नबी की बात कहां, एक एक लफ्ज उन्हीं की अता से है वरना, एक एक लफ्ज उन्हीं की अता से है वरना, मैं एक अदना लिखारी नबी की नात कहां। क्या कहें, एक एक लफ्ज उन्हीं की अता से है वरना, मैं एक अदना लिखारी नबी की नात कहा। और अब चंद मुतफरिक अशार, एक गजल के चंद अशार आप अहबाब की खिदमत में पेश करना चाहूंगा डॉक्टर साहब, के रोजे अलस्त को मैंने किस तरह से इस्तेमाल किया है कि हुस्ने जहां भी साथ है, हुस्ने जहां भी साथ है रोजे अलस्त भी। अच्छा अलस्त भी रब्बिकुम, हुस्ने जहां भी साथ है रोजे अलस्त भी, वहदत पसंद है हम मगर बुत परस्त भी। वहदत पसंद है हम मगर बुत परस्त भी, और गुलशन को छोड़ना है मगर खामोशी के साथ। गुलशन को छोड़ना है मगर खामोशी के साथ, मगर खामोशी के साथ उठकर हमारे साथ ना चल दें दरख्त भी। उठकर हमारे साथ ना चल दें दरख्त भी, और तुझको हमारी जीत गवारा नहीं तो फिर। अच्छा तुझको हमारी, शुक्रिया आदाब, तुझको हमारी जीत गवारा नहीं तो फिर, अब हौसले से देख
हमारी शिकस्त भी। वाह वाह, बहुत अब हौसले से देख हमारी शिकस्त भी, क्या कहें। तुझको तुझको हमारी जीत गवारा नहीं तो फिर, अब हौसले से देख हमारी शिकस्त भी। मैं शहरजाद हूँ तो खुदा जाने किस लिए, मैं शहरजाद हूँ तो खुदा जाने किस लिए, आवाज दे के मुझको बुलाता है दश्त भी। आवाज दे के मुझको बुलाता है दश्त भी, दे के मुझको बुलाता है दश्त भी। ऐ कोह सारे इश्क अकेला नहीं है तू। अच्छा, ऐ कोह सारे अदब, ऐ कोह सारे इश्क अकेला नहीं है तू, नहीं है तू। मैं भी हूँ तेरे साथ मेरी बाज गश्त भी। वाह वाह वाह, वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं भी हूँ तेरे साथ मेरी बाज गश्त भी, और ये जिंदगी के रंग भी अमजद अजीब हैं। अच्छा, ये जिंदगी के रंग भी अमजद अजीब हैं। हर शख्स सर बुलंद है और पस्त भी। वाह वाह वाह, हर शख्स सर बुलंद है और पस्त भी, पस्त भी, पस्त भी। और एक छोटी सी, डॉक्टर साहब एक छोटी सी नज्म है, इजाजत दें। इरशाद इरशाद, जरूर सुनाइए, जरूर सुनाइए। मोहब्बत मोहब्बत रिस्क है ऐसा, मोहब्बत क्या है कि मोहब्बत मोहब्बत रिस्क है ऐसा जो हर एक को नहीं मिलता। अच्छा, मोहब्बत रिस्क को नहीं मिलता, मोहब्बत देश है ऐसा कोई सरहद नहीं जिसकी। मोहब्बत देश है ऐसा कोई सरहद नहीं जिसकी, मोहब्बत इस्म है ऐसा कि जिसको भूल जाता है, मोहब्बत इस्म है ऐसा कि जिसको भूल जाता है उसे सब याद रहे, उसे सब याद रहता है। और दो तीन अशआर और फिर इजाजत के। दर्द इरशाद इरशाद पढ़िए, सुनिए, बहुत अच्छा। दर्द, बहुत शुक्रिया जी। दर्द सहते हुए मकानों तक, शहजाद साहब आपने इसी काफिया में अशार अशार पढ़े थे जमानों और मकानों की, तो सोचा मेरे पास भी इसी काफिया में एक गजल है, तो उसके चंद अशार आपकी करना चाहूंगा। कि दर्द सहते हुए मकानों तक दिल जलाया कई जमानों तक। वाह वाह, दिल जलाया कई जमानों मानों तक, और रौंद डाला मलाल को दिल से। बहुत अच्छा, रौंद डाला मलाल को दिल से, हमने हर पल तेरे बहानों तक। वाह, हमने, बहुत शुक्रिया जी, हमने हर पल तेरे बहानों तक। और शेर देखिए कि लोग हीले तलाश करते रहे, लोग हीले तलाश करते रहे, कोई उतरा ना दास्तानों तक। वाह वाह जी, शुक्रिया। लोग हीले तलाश करते रहे, कोई उतरा ना दास्तानों तक। वाह, और मैं निशाना लगा के छोड़ूंगा। वाह, मैं निशाना लगा के छोड़ूंगा, छोड़ूंगा दुश्मने जा तेरे ठिकानों तक। वाह 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 वाह, मैं निशाना लगा के छोड़ूंगा दुश्मने जा तेरे ठिकानों तक। और आखिरी शेर है कि मैंने पहुंचा के दम लिया अमजद। अच्छा, मैंने पहुंचा के दम लिया, दम लिया इल्तिजाओं को आसमानों तक। मैंने पहुंचा के दम लिया अमजद, इल्तजाओं को आसमानों तक। और जिंदगी जिंदगी की राहदारी से अलग, जिंदगी की राहदारी से अलग, हो गए हम तेरी यारी से अलग। जिंदगी की राहदारी से अलग, हो गए हम तेरी यारी से अलग। नफा ओ नुकसान की परवाह न की, नफा ओ नुकसान की परवाह न की, हो गए बस साझेदारी से अलग। वाह, बस साझेदारी से अलग। और मजमाए अफसुर्द गामे चंद लोग, मजमाए
अब सुरत गांव में चंद लोग हंस रहे हैं सोगवारी से अलग, हंस रहे हैं सोगवारी से अलग। बहुत शुक्रिया। और चार मिट्टी के खिलौने, चार मिट्टी के खिलौने वक्त शाम, चार मिट्टी के खिलौने वक्त शाम, नाचते देखे मदारी से अलग। वाह वाह वाह, बहुत मनप्रीत। चार मिट्टी, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। चार मिट्टी के खिलौने वक्त शाम, नाचते देखे मदारी से अलग। और सुबह, और सुबह की गाड़ी से निकले नौजवान, सुबह की गाड़ी से निकले नौजवान, हो रहे थे नागवारी से अलग। वाह, वक्त ने मखदूम जब हमला किया, वक्त ने मखदूम जब हमला किया, हम खड़े थे मारा मारी से अलग। मारा मारी से अलग। बहुत बहुत शुक्रिया जी, मैंने बहुत वक्त लिया और मौका गनीमत जाना के एक ही वक्त में, एक ही निशिस्त में अपने जितने अशआर मुझे पढ़ने हैं वो मैं आपके गोश गुजार करूं। आप सब अहबाब का बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं यहाँ मौजूद हूँ, आप सबको सुनता हूँ इंशाल्लाह। जी बिल्कुल जी, नाज़रीन इकराम बहुत ही खूबसूरत कलाम सुना रहे थे अमजद शाह मैनचेस्टर से, बहुत ही मुनफरद कलाम जी। तो अब हम दावत सुभन देते हैं सदर महफिल डॉक्टर तकी आबदी साहब को। जी डॉक्टर साहब, आज हमारे रेडियो फ़ज़ा के सामीन के लिए और हमारे ये इस प्रोग्राम के नाज़रीन के लिए आज क्या पेश करेंगे डॉक्टर साहब? बहुत उम्दा शायरी पेश हुई हमारे शाह साहब भी, अमजद शाह साहब भी, और मोहतरमा आपके जो है उन्होंने बहुत ही उम्दा शेर, और मैं बहुत वही महसूस हो रहा था कि जदीद गजल और जदीद नज्म में मैं, आप देख रहे हैं कि यही शायरी है जिसको हम चाहते हैं कि सुने भी, और इसी से 21वीं सदी की जो शेरियत है उसको सजाएं। यही नए जज्बात, नए ख्यालात और नया तरीक़ेकार आपके जो है जिसकी जरूरत है, और इसी को आम करना है, इस वजह से कि ये हमारी सदी का तकाजा है। मैं एक अपनी नज्म सुनाता हूँ जो बहुत कम सुनते हैं लोग, वो है मस्जिद अक्सा। डॉक्टर साहब ये तो मैंने एक दफा सुनी थी और अभी तक मुझे मैं फरमाइश भी करता हूँ, बल्कि पिछले प्रोग्राम बहुत खूबसूरत बहुत कम सुनाने का मौका मिलता है तो सुनाता हूँ आपको कि जो है इसका उन्वान है फरियाद मस्जिद अक्सा के बैत अक्दस हूँ फलस्तीन की दस्तार हूँ मैं, दस्ते मुस्लिम में चमकती हुई तलवार हूँ मैं, दस्ते मुस्लिम में चमकती हुई तलवार हूँ मैं, जेरे आफाक महकता हुआ गुलजार हूँ मैं, अजनबी कौम में है हाथ गिरफ्तार हूँ मैं, अजनबी कौम में है हाथ गिरफ्तार हूँ मैं। और अर्ज किया है, तजमीन किया है कि आज हर सिमत मुसलमान से बेजारी है, दीने इस्लाम मिटाने की मुहिम जारी है। वाह, मस्जिद कह रही है कि मस्जिद कह रही है मैंने ईसा को इसी खाक पे मशहूर किया, मैंने ईसा को इसी खाक पे मशहूर किया, अपने कोहसार को मूसा के लिए दूर किया, दूर किया। जब भी फिरौन यहाँ आया उसे दूर किया, जो भी नमरूद के शद्दाद बना चूर किया। शाम रोशन थी मेरी बांगे अजा के दम से, और सुबह तारीख है अब मेरी फुगा के गम से, सुबह तारीख है अब मेरी फुगा के गम से, के पेट पर बांध के पत्थर जो लड़ा करते थे, जेरे खंजर भी जो कुरान पढ़ा करते थे, ला इलाह कह के जो तूफान पे चढ़ा करते थे, जिनके साये से भी कुफ्फार डरा करते थे, आज क्यों खून में वो जोश वगा बाकी नहीं, क्यों वो पैमाना नहीं, बादा नहीं, साखी नहीं। आज क्यों खून में वो जोश वगा बाकी नहीं, क्यों वो पैमाना नहीं, बादा नहीं, साखी नहीं, बर्ग थी जिससे हरासा वो नशे मन ना रहा,
बर्फ थी जिससे हरासा वो नशे मन न रहा, मन न रहा। इश्क तौहीद से बांधा हुआ बंधन न रहा, इश्क तौहीद से बांधा हुआ बंधन न रहा, ना रहा। मन मिलते बैजा में वो मन न रहा, फन न रहा। इल्म व दानिश से महकता हुआ गुलशन न रहा। वाह वाह। सब लुटा कर भी, सब लुटा कर भी तकब्बुर का नशा तारी है, और तफरेखा आज मुसलमान की बीमारी है। सब लुटा कर भी, सब लुटा कर भी तकब्बुर का नशा तारी है, तफरेखा आज मुसलमान की बीमारी है। और अपनी अर्जिश से हो वाकिफ के मुसलमान हो तुम, जिस पे खालिक भी करे फख्र वो इंसान हो तुम, वारिस असर हो तुम, साहेब ईमान हो तुम, जो पहाड़ों से न रुक पाए वो तूफान हो तुम। तुमको रखकर भी, तुमको रखकर भी मेरे हाथ में जंजीर रहे, दस्ते कुफार में कब तक मेरी तकदीर रहे, दस्ते कुफार में कब तक मेरी तकदीर रहे। तुम ना ताजी हो, ना अजमी हो, ना अरबी हो तुम, तुम ना शामी हो, ना मिस्री हो, ना तुर्की हो तुम, तुम ना तुजकी हो, ना शर्की हो, ना गर्बी हो तुम, तुम महाजिर हो, ना सिंधी हो, ना हिंदी हो तुम, शहर लाहौर हो तुम, बल्दए तेहरान हो तुम, आलम कुछ तुम्हारा है मुसलमान हो तुम। सुभानअल्लाह, वाह वाह, बहुत। तो आलम कुछ तुम्हारा है मुसलमान हो तुम, वाह। शहर लाहौर हो तुम, बल्दए तेहरान हो तुम, वाह वाह, कुछ तुम्हारा है मुसलमान हो तुम। मैं तुम्हारी हूँ, मैं तुम्हारी हूँ, मगर तुमको मेरा पास नहीं। कैद जिंदा में हूँ, कैद जिंदा में हूँ, लेकिन तुम्हें एहसास नहीं। तुम मुझे कर सको आजाद, मुझे आस नहीं, क्योंकि तुम में कोई हैदर नहीं, अब्बास नहीं। तुम में कोई हैदर नहीं, तुम मुझे कर सको आजाद, मुझे आस नहीं, क्योंकि तुम में कोई हैदर नहीं, अब्बास नहीं। बाग बाग कांटे बिछाता है यहाँ राहों में, कुछ मुसलमान हैं दुश्मन के हवा खाहों में, कुछ मुसलमान है दुश्मन के हवा खाहों में। और आखिरी बंद है कि क्यों भला दिरहमो दीनार से नीलाम हूँ मैं, क्यों भला दिरहमो दीनार से नीलाम हूँ मैं, क्या समझ रखा है गर्दिश में कोई जाम हूँ, जाम हूँ मैं। क्यों भला दिरहमो दीनार से नीलाम हूँ मैं, क्या समझ रखा है गर्दिश में कोई जाम हूँ मैं, अजमते दीन हूँ, मेराज का पैगाम हूँ मैं, मस्जिद अक्सा हूँ, इस्लाम का इनाम हूँ मैं, दहन बसता हूँ तकी तुम मेरी फरियाद करो, दहन बसता हूँ तकी तुम मेरी फरियाद करो, बैते अक्दस हूँ मुसलमान मुझे आजाद करो, बैते अक्दस हूँ मुसलमान मुझे आजाद करो। वाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत डॉक्टर साहब, बहुत खूबसूरत। आज से 10 साल पहले डॉक्टर साहब कुर्तुबा में ये नज्म आपकी, ये काफी आपके जो है पुरानी नज्म है, लेकिन यूं समझिए कि बाज़ वक्त मौका मिलता है। अब मैंने देखा मोहतरमा भी तशरीफ है, आप भी हैं और अमजद शाह भी हैं, तो सुनाता हूँ। बहुत खूबसूरत नज्म है जी, और आपने जो नक्शा बेबसी का जो नक्शा खींचा है आजकल के, यकीनन हमारे मुसलमानों के लिए, हमारे मुसलमानों के जो दिगर गु हालात है, उसकी भरपूर नुमाइंदगी आपने की है। मोहब्बत है आपके शाह साहब। ये 1991 में जब इंतफादा शुरू हुआ उस वक्त मैंने लिखी थी ये तकरीबन 30 साल पुरानी नज्म है, मगर बहरहाल आपके जब पढ़ो तो ऐसा महसूस होता है कि कल के लिए अभी अभी लिखी गई है। सही बात है, सही लगता है, क्योंकि डॉक्टर साहब हमारे हालात जो है ना वो पहले से भी जो है ना वो दगरगुं हो गए हैं, वो चेंज नहीं होता है। शायरी वही है, अभी जो शायरी अमजद शाह ने की है, हमारे शाह साहब ने और मोहतरमा ने की है, और आपकी शायरी, शायरी जो है 3 चीजों से मिलती है, एक शख्स, एक जमान और एक आपके जो है मकान जी। तो हम लोग जो है मौका जो है, ये वक्त क्या है और कहाँ पर किस दौर में हम जिंदा हैं और कहाँ पर हम जिंदा हैं और कौन हम है, तो ये तीनों से मिलकर आपके जो है, अगर शायरी रिलेट ना हो, मैं आपको 100 साल पुराने अगर गुलदस्ते सुनाऊं तो एक शेर भी आपको जो है दिल को नहीं लगेगा, क्योंकि ना माहौल है, ना वो शख्सियत है, ना वो जमाना। तो शायरी को अगर उर्दू को तरक्की करना है और उर्दू शायरी को पनपना है तो आज के दौर से जोड़ना पड़ेगा हर ख्याल को आपके जो है।
और उसमें सहूलतें पैदा करनी पड़ेंगी। गिव रेस्पेक्ट एंड टेक रेस्पेक्ट का मसला करना चाहिए और शायरी को जो है उस ग्रुप वाइज जो धंधे चल रहे हैं हमारे पास जिसको उससे निकाल कर, ये खुशबू है, खुशबू तो आपके जो है किसी जगह के लिए मखसूस नहीं होती, खुशबू का काम तो फैलना है, शायरी को फैलता ही है। मोहब्बत आपके जो है, मोहब्बत की गुफ्तगु जो है जिस तरह से हमारे क्या कहते हैं शाह साहब ने की है, एक शेर पर मैं खत्म कर रहा हूँ, मैंने भी कहा था उन्होंने, मैंने कहा था कि मोहब्बत बाग है ऐसा जहां में, मोहब्बत बाग है ऐसा जहां में जहां पर फूल खिलते हैं खिजा में, जहां पर फूल खिलते हैं खिजा में, मोहब्बत बाग है ऐसा जहां में के जहां पर फूल खिलते हैं जहां में, और कोई जोड़े दिलों को कोई तोड़े, बहुत है फर्क दोनों की अजा में, कोई तोड़े कोई कोई जोड़े दिलों को कोई तोड़े, बहुत है फर्क दोनों की अजा में। और अर्ज किया है वो जौहर खाकी पैकर में मिलेगा, वो जौहर खाकी पैकर में मिलेगा जिन्हें तुम ढूंढते हो आसमां में, जिन्हें तुम ढूंढते हो आसमां में। मोहब्बत का मसला जो है ना आपके जो है, तो इस चीज को वही के मैं यही बता रहा हूँ कि कोई साहिल पे उतरे कोई डूबे, कोई साहिल पे उतरे कोई डूबे, यही है फर्क ईमान और गुमा में, यही है फर्क ईमान और गुमा में, ईमान और गुमा में। के बहरहाल मोहब्बत बाग है ऐसा जहां में, जहां पर फूल खिलते हैं खजा में। तो ये हम सब मोहब्बत की बातें कर रहे हैं, इसकी बहुत जरूरत है, और मैं सबकी शायरी की आपके जो है मैं तो क्या कहते हैं मदा खा हूँ, और मुसलसिल शेरों में मैं गुम हो जाता हूँ क्योंकि मैं सोचते रहता हूँ कि कितने खूबसूरती से ये मजमून को अदा किया गया। आप लोगों ने बहुत अच्छी शायरी की, मैं मुबारकबाद देता हूँ और दुआ करता हूँ कि इंशाल्लाह अल्लाह करे जोर खलम और ज्यादा इंशाल्लाह। नज्म ने यकीन कीजिए बिल्कुल वही समा और वही लुत्फ दिया है जो जवाब शिकवा ने हमें दिया है। जवाब शिकवा के चंद इजाफी अशार जो है वो हम डॉक्टर साहब की जुबानी सुन रहे हैं, लुत्फ था, जरा नवाजी है। देखिए हम मैं अर्ज कर रहा हूँ कि यही चीजों की वजह से मैंने हमारे शहजाद अरमान से कहा है कि हमारे पास इस वक्त शेरी नशस्तों की जरूरत बहुत है, ता 40 जगह 40 आदमियों के चेहरे एक मुशायरे में रखे जाएं। मैं कहता हूं कि एक दूसरे से सीखना और एक दूसरे से यानी वो आमोजिश जो हमारा जो हमारी जो तहजीब है मुशायरे की उसको भी बरकरार रखें, तो इसमें रेस्पेक्ट की जरूरत है। और सबसे अहम चीज ये है कि हर एक शायर को सुना जाए। मेरी नजर में कोई शायर आपके जो है छोटा और बड़ा नहीं होता, हर एक हाथ में 5 उंगलियां है, कोई छोटी है कोई मोटी है कोई बड़ी है कोई आपके लंबी है कोई, तो शायर के पास भी उसी तरह से है। अभी जो गुफ्तगू शाह साहब ने की मोहब्बत की गुफ्तगू वो बड़ी खूबसूरत है, अभी मोहतरमा ने जिस तरीके से हमारी शायरा ने जो गुफ्तगू की है वो बिल्कुल अजीब है। आपके जो है एक किस्म का नयापन है, एक किस्म की ताजगी है, और एक किस्म का क्योंकि गालिब ने हमारे दिमागों को महशर ख्याल कहा, हर एक की वसत अलग है, और यही मेरे माबूद का आपके जो है मेरे मालिक का आपके जो है करिश्मा है। तो गिव रेस्पेक्ट एंड टेक रेस्पेक्ट का जो मसला है, मैं तो हर एक से हासिल करता हूँ। मैं एक ऐसा तालबेल हूँ कि मैं हमेशा जो भी कहता है उससे मैं ग्रास करता हूँ और चाहता हूँ कि कुछ ना कुछ सीखूं। तो दैट इज माई आपके हमा वक्त सीखते हैं, ना सिर्फ ये शायरी बल्कि नसर और आपका जितना तहकीकी काम है वो भी, और इसके अलावा एक और चीज जो बहुत खास, मैं इसका इजाजत दें तो दो चीजें मैं जिक्र करना चाहूंगा। एक दूसरी ये है कि आप लोगों की अदबी तरबियत भी कर रहे हैं जिसका फुकदान बहुत ज्यादा है। जी बेशक फुकदान बहुत ज्यादा, ये अदब इसलिए महदूद हो गया है के अदीब जो सीनियर अदीब है, मैं किसी को इल्जाम नहीं दे रहा लेकिन बतौर आम जो बात कर रहा हूँ कि वो शायरों की हौसला अफजाई तो इतनी नहीं करते लेकिन वो जो तरबियत करनी चाहिए अदबी तरबियत वो नहीं कर पा रहे। और एक चीज जो मैं आपकी इजाजत से बल्कि आपके तवस्सुल से
और आपकी ताईद से मैं कहना चाहता हूँ, आपने बात की है कि एक दूसरे को रिस्पेक्ट दें, मैं इससे थोड़ा आगे जाकर बरमला इस बात को कहना चाहता हूँ, क्योंकि आपको मालूम है इतने प्रोग्राम करवाए हैं, इतना तजुर्बा हुआ है, वो ये है कि शायर एक दूसरे को तस्लीम भी करना शुरू करते हैं। ये बहुत अहम बात है कि शायर एक दूसरे को तस्लीम नहीं करते, इसीलिए ग्रोबंदी हुई है, इसीलिए फिर वो एक खास तबका एक खास तरफ चला जाता है कि फला दो या तीन या चार शोरा को बुलाएंगे तो मैं आऊंगा। हमें रवैयों की नफी भी करनी है। आप बहुत अच्छी चीज कह रहे हैं आप, मैं यही कह रहा हूँ कि मकसद यही है कि जब तक कि हम इसको देखिए अदब का मसला, अदब का नाम ही अदब है, अगर मुअद्दिब हो तो अदब में आ सकते हैं। ये इसी वजह से हमने कहा यहाँ पर जो शख्स दूसरे शायर को कबूल नहीं करता, मेरे लिए वो मशकूक हो जाता है। वो देखिए जो शायर है वो समझ जाएगा, ये और चीज है कि किसी शायर में अगर फनी बच्चा पैदा होते ही भागता नहीं दौड़ता नहीं। अब हम तो कुछ मसाइल हो सकते हैं, आप उनकी मदद कीजिए ठीक है, लेकिन आप नहीं कह सकते वो शायर नहीं है। इस वजह से कि शायरी एक चीज दूसरी है, मुंशीगिरी कोई और चीज है, शायरी कोई और चीज है। आप एक मिसरा कहें मैं फौरन समझ जाता हूँ, तख्लीकी चीज जो जहनी इंसान से आपके जो निकलती है लाशूरी तौर पर वो शायरी है, और 90% हमारे पास शायरों के पास वो मौजूद है। तो आप शेरी नशस्तें कीजिए अगर कुछ मसला है। इसी वजह से मैं कहता हूँ कि गजल लिखने से पहले उन मुक्तदियों से कहता हूँ कि आप नज़्में लिखें, लेकिन तौहीन मत कीजिए किसी। सबसे बड़ी चीज जो है दिल तोड़ना है आपके, जो है समझ रहे हैं आपके, और वही अदब के लिए मसाइल पैदा। बहरहाल मैं खुश हूँ कि इंशाल्लाह गनीमत है कि हम सूरत यहाँ दो चार बैठे हैं, हम फिक्र मेरे जो है जब रहते हैं तो मैं ममनून हूँ, और इस चीज को आगे लेके बढ़ना पड़ेगा। मुखालफत तो होगी, जी डॉक्टर साहब बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू नाज़रीन इकराम आपने मुलाहिज़ा फरमाई, और अमजद शाह साहब ने भी जिस तरह शोरा के हवाले से और एक जो हमारी आपस में एक इज्जत देने की और अदब की कमी रहती है उसे हमें अपने शोरा में अपने अदीबों में अपने स्टूडेंट्स में इस बात का बरमला इजहार करना चाहिए कि इज्जत देने से इज्जत मिलती है, मोहब्बत देने से मोहब्बत मिलती है। नाज़रीन इकराम इस खूबसूरत प्रोग्राम से दिल तो नहीं कर रहा कि आपसे इजाजत ली जाए, लेकिन वक्त तकरीबन 10 मिनट ऊपर हुआ चाहता है। छोटा सा मिसरा अर्ज करूं अगर इजाजत दें। जी इरशाद अता कीजिए। डॉक्टर साहब देखिएगा कि लो जान बेच कर भी जो इल्मो हुनर मिले, लो जान बेच कर भी जो इल्मो हुनर मिले, जिससे मिले जहां से मिले जिस कदर मिले, वाह जिस कदर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है आपसे, यही चीज है। देखिए इसी वजह से शायरी जो है ना, जौक ने कहा कि जो है रहता सुखन से नाम कयामत तलक है जौक, रहता सुखन से नाम कयामत तलक है जौक, औलाद से रहे यही दो पुश चार पुश, तो फिरदौसी हजार साल से जिंदा है। तो ये जो कहते हैं फलानी शायर है या नहीं है, हाफिज को कहा गया कि शायर नहीं था, हाफिज को हिस्ट्री पढ़ी है, और हाफिज आज इस वक्त आपके 700 साल से गजल पर हुकूमत कर रहा है। तो जिसको आपके खुदा आपके क्या कहते हैं वो यानी यूं समझिए कि इज्जत और मुकाम दे, उसको कौन सा बंदा छीन सकता है। इसी वजह से काम कीजिए और करते चले जाइए मुसलसिल, आप खुद देखिए कि आपकी तरफ शोहरत भी और हर चीज जो वो है आपके पैरों की तरफ आने लगेगी, आपके पैरों को चूमने लगेगी। तो मैं ये कहता हूँ कि इससे आपके तो ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के तो लिए। ये तो ऊंचा उड़ते रहिए और इन चीजों पे, लेकिन इंसान का दिल भी आपके हसास है, और अनीस ठेस ना लग जाए आप जिनों को, ख्याल खातिर अहबाब चाहिए हरदम, अनीस ठेस ना लग जाए आप जिनों को। तो बात करते हुए ये किसी की तरफ रुए सुखन नहीं है, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरे जो जवान और मेरे जो उभरते और मेरे जो ताजा शोरा हैं उनकी हर लिहाज से दामे दरहमे सुखने उनकी आपके जो है इज्जत अफजाई की जाए, उनकी हौसला अफजाई की जाए, और वही सबसे बड़ी उर्दू की शेरियत की खिदमत है। और अगर ये बाग बाकी रहेगा, इसके समर और इसके फल आपके जो है लगते रहेंगे, तो वो जो 500 साल पुराने या 400 साल पुराने हैं उनको कोई पढ़ेगा, ये वीरान अगर हो जाएगा तो ये एक ऐसा है कि उसी किश्ती में आप छेद लगा रहे हैं जिसमें आप खुद बैठे हुए हैं, तो सबका नफा इसी में है।
कि हम अपनी आने वाली नस्ल का एहतराम करें, ये मैं अर्ज कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया जी, बिल्कुल, अपने आने वाली नस्ल का एहतराम करें और एहतराम आदमियत उनको सिखाया जाए और एहतराम इंसानियत भी। जी नाज़रीन इकराम, बज़्मे अहले कलम से मुझे और अपने तकी डॉक्टर तकी आबदी, समीना रहमत, अमजद शाह, इन सब एक खूबसूरत गुलदस्ता आपके लिए पेश किया गया आज। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। अच्छा।